हेलो बच्चों, मैं साक्षी एक बार फिर से वेलकम करती हूँ तुम लोगों का ओटू एंड डिजिटल एजुकेशन में। तो हमने लास्ट लेक्चर में देखा कि ब्रेन क्या है, ब्रेन के कितने पार्ट है, ब्रेन कैसे प्रोटेक्ट है, ब्रेन हमारी बॉडी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो आज क्या पढ़ने वाले हैं, हम आज पढ़ने वाले हैं एंडोक्राइन हार्मोन। एंडोक्राइन ग्लैंड से कौन कौन से हार्मोन रिलीज होते हैं, वो हमारी बॉडी के लिए क्यों बेनिफिट है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन के साथ। तो हार्मोन है क्या, हार्मोन जो है वो एक केमिकल सब्सटेंस है। क्या है, केमिकल सब्सटेंस है दैट एक्ट लाइक ए मैसेंजर मॉलिक्यूल इन बॉडी। ठीक है, मैसेंजर मॉलिक्यूल है हार्मोन जो हमारी बॉडी में एक्टिवेट करवाता है रिएक्शन को। कोई भी केमिकल रिएक्शन होती है, कोई भी बायो कैटलिक एक्टिविटी होती है, उनमें हार्मोन का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो हार्मोन्स आर सिक्रेट इन स्मॉल क्वांटिटी बाय एंडोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन ग्लैंड है वो किससे मिलकर बना है, तो एंडोक्राइन सिस्टम से। ठीक है, तो एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, इट इज अ सीरीज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड, बहुत सारे एंडोक्राइन एक साथ, तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। एंड इट इज अ सीरीज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड एंड हार्मोन्स। द एंडोक्राइन ग्लैंड आर डक्टलेस ग्लैंड्स व्हिच सीक्रेट द हार्मोन डायरेक्टली इनटू द ब्लड स्ट्रीम। जो एंडोक्राइन ग्लैंड हार्मोन होता है वो हमारी बॉडी जो ये क्या है बच्चों, ये ब्लड वेसल्स है। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड से हार्मोन रिलीज हुआ, ये हार्मोन है। ठीक है, तो ये डायरेक्टली क्या होगा, ब्लड स्ट्रीम में चला जाएगा और क्या करेगा, वहां पे जो भी केमिकल रिएक्शन होगी उसको एक्टिवेट कर देगा, उसको फास्ट कर देगा। ठीक है, तो ये क्या है, ये केमिकल सब्सटेंस है दैट एक्ट लाइक ए मैसेंजर मॉलिक्यूल इन बॉडी। ठीक है, इसकी डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों कि हार्मोन क्या है और एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है। एंडोक्राइन सिस्टम क्या होता है, बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड को मिक्स कर देते हैं या मिला देते हैं, उसको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब ये एनसीईआरटी में दो डायग्राम दिए हुए हैं, मेल और फीमेल। एंडोक्राइन ग्लैंड इन ह्यूमन बींग्स ए मेल बी फीमेल। ठीक है, कौन कौन से एंडोक्राइन है, ये सारी एंडोक्राइन ग्लैंड होती है, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, थैलेमस, पैनक्रियाज, एड्रेनल ग्लैंड और टेस्टिस इन मेल एंड ओवरी इन फीमेल। ठीक है, दोनों में बस ये डिफरेंस है, मेल जो मेल होते हैं उनमें टेस्टिस है और जो फीमेल है उनमें ओवरी। ठीक है, अब एंडोक्राइन ग्लैंड जो होती है ऑल्सो हेल्प इन कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ठीक है, क्यों, क्योंकि इसमें हार्मोन रिलीज हो रहा है जो हमें केमिकल मैसेंजर है हमारी बॉडी में वो हेल्प कर रहा है। ठीक है, द एंडोक्राइन ग्लैंड प्रोड्यूस केमिकल सब्सटेंस विच हेल्प टू कंट्रोल कोऑर्डिनेशन वेरियस एक्टिविटी इन बॉडी। बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी होती है हमारी बॉडी में जिनको एंडोक्राइन जो सिस्टम है वो हेल्प करता है। एंडोक्राइन ग्लैंड इन अवर बॉडी आर पिनल, हाइपोथैलेमस, पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थैलेमस, एड्रेनल, पैनक्रियास, टेस्टिस एंड ओवरी। ठीक है, ये सब क्या है, ये सब एंडोक्राइन ग्लैंड है और इन सबको क्या बोलते हैं, एंडोक्राइन सिस्टम। एंडोक्राइन ग्लैंड से मिलकर बना होता है एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, अब हमारी बॉडी में जो ग्रोथ हार्मोन है वो किससे रिलीज होते हैं, वो पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज होते हैं। अब तुमने देखा होगा तुम्हारी फ्रेंड सर्कल में या फैमिली में वो एडवाइस देते हैं उनको कि भाई वो उनको डायबिटीज है, उनको क्या शुगर कम करना है अपने डाइट में। ठीक है, तो वो तो क्या, तो होता क्या है बच्चों, उन जो उनका जो पैनक्रियाज है, पैनक्रियाज है उसमें इंसुलिन सिंथेटिक फॉर्म में दिया जाता है। ठीक है, उसमें वो डेवलप नहीं होता इंसुलिन। ठीक है, तो हम सिरिंज के थ्रू इंसुलिन हार्मोन उसको बाहर से उसमें ब्लड स्ट्रीम में देते हैं ताकि जो ब्लड शुगर लेवल है वो मेंटेन रहे। इससे इसलिए इंसुलिन के जो इंजेक्शन है उसको डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में देते हैं। ठीक है, इंसुलिन के क्या दिए जाते हैं बच्चों, इंजेक्शन दिए जाते हैं। दिस इज अ हार्मोन विच इज प्रोड्यूस बाय पैनक्रियाज। ठीक है, इंसुलिन कहां से रिलीज हो रहा है, पैनक्रियाज से, एंड हेल्प इन रेगुलेटिंग द
ब्लड शुगर लेवल, ठीक है, हमारी बॉडी, हमारी जो ब्लड है उसमें भी शुगर का लेवल की अमाउंट होती है, उससे अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा, डायबिटीज होगी, ठीक है. एंड इफ यू नॉट सीक्रेट प्रॉपरली अमाउंट द शुगर लेवल इन ब्लड इज राइजिंग कॉजेस द मेनी हार्मफुल इफेक्ट. अगर नहीं होगा तो शुगर का लेवल जो है बहुत ज्यादा हाई हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, वो हार्म होगा हमारी बॉडी के लिए. इफ इट इज इंपॉर्टेंट दैट हार्मोन शुड बी सीक्रेट इन, मतलब जो उसकी अमाउंट है उसी में वो सिक्रीट होगा, तो हमारी बॉडी मेंटेन रहेगी, हमारी बॉडी की जो लाइफ स्टाइल है वो मेंटेन रहेगी. अगर उससे अप और डाउन हुआ तो हमारी बॉडी का जो सिस्टम है, जो उसमें केमिकल रिएक्शन है, वो सब डिस्टर्ब होगी. इसलिए इक्वल अमाउंट में सब सिक्रीट होना चाहिए हार्मोन, ठीक है. द टाइमिंग एंड नंबर ऑफ हार्मोन रिलीज आर रेगुलेटेड बाई फीडबैक मैकेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल, इफ द शुगर लेवल इन ब्लड, अगर शुगर लेवल ज्यादा होगा तो डायबिटीज होगा. दैट आर डिटेक्ट बाई द सेल्स ऑफ पैनक्रियाज विच रिस्पॉन्स टू प्रोड्यूसिंग मोर इंसुलिन, ठीक है, इंसुलिन ज्यादा रिलीज होगा, ठीक है. एज द ब्लड शुगर लेवल फॉल, इंसुलिन सिक्रेटिन रिड्यूस, तो डायबिटीज में क्या होगा, ये डायबिटीज डिटेक्ट हो जाएगा, भाई इंसुलिन बहुत ज्यादा हो रहा है, इसको डायबिटीज है, ठीक है. द डायबिटीज डिजीज इन विच द ब्लड शुगर लेवल क्या होता है, उसमें इंक्रीज होता है, ठीक है, डायबिटीज में. इसलिए हम उसको बाहर से इंसुलिन देते हैं ताकि जो शुगर लेवल है ब्लड में वो मेंटेन रहे, ठीक है. कॉजेज ऑफ डायबिटीज, द डिजीज इज कॉज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन, उसका जो पैनक्रियाज है वो इंसुलिन हार्मोन रिलीज नहीं कर पाता, इसलिए हम बाहर से इंजेक्शन देते, इंजेक्ट करते हैं उसको इंसुलिन हार्मोन का, ठीक है. दैट सीक्रेट बाय द पैनक्रियाज इज रेस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल. ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज, इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन हार्मोन कैन बी हेल्प इन ट्रीटमेंट ऑफ डायबिटीज. अब एक बात, ये सारे का क्या है कि भाई अगर इंसुलिन ज्यादा होगा हमारी बॉडी में, अगर शुगर लेवल ज्यादा होगा तो हमें बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन लेने होंगे, ठीक है. अगर नहीं लेंगे तो क्या होगा, डायबिटीज होगी, और डायबिटीज से फिर हमारी जो ब्लड, जो हमारी ब्लड है उसमें शुगर लेवल ज्यादा होगा, ठीक है. इंपोर्टेंस ऑफ आयोडीन, आयोडीन के क्या क्या इंपोर्टेंट है, ठीक है. अगर तुम लोगों ने देखा होगा कि आयोडीन रिच साल्ट आ रहे हैं मार्केट में, क्यों हमें आयोडीन वाला ही नमक खाना है, क्यों भाई हम तेरा नमक क्यों खाए, आयोडीन वाला नमक क्यों खाए. तो होता क्या है बच्चों, जो आयोडीन है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट प्ले रोल करता है हमारी डाइट में, ठीक है. आयोडाइज साल्ट इज नेसेसरी बिकॉज आयोडीन मिनरल is essential part of thyroxine hormone secreted by the thyroid gland. Thyroxine hormone कहाँ से release हो रहा है बच्चों? Thyroxine gland से. Thyroxine क्या होता है? It regulates the metabolism of carbohydrate, fats, protein. So we must consume iodized salt, which is necessary for proper working of thyroid gland. ठीक है, थायराइड ग्लैंड जब प्रॉपर वर्किंग हो रही है तो उसमें किसका प्ले रोल है, थायरॉक्सी हार्मोन का, ठीक है. इफ डेफिशिएंसी कॉज दैट इज कॉल्ड गॉटरी स्वेलन नेक, ठीक है. इसकी कमी से क्या हो जाती है, स्वेलन नेक हो जाती है आयोडीन की कमी से. तो नमक क्यों इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, क्लियर है. अब ये सब हार्मोन है, ये एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हार्मोन है जिस कौन कौन से रिलीज हो रहे हैं, अब ये उसके फंक्शन है, ठीक है. एडिनल ग्लैंड से कौन सा हार्मोन रिलीज होता है बच्चों, एडिनल लाइन प्रिपेयर बॉडी टू कॉपी विद इमरजेंसी सिचुएशन, ये हमारी बॉडी को प्रिपेयर करता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए, ठीक है. पैनक्रियास से कौन सा, इंसुलिन और ग्लूकोजन, ठीक है, रेगुलेट ब्लड शुगर लेवल. टेस्टिस ये मेल में, टेस्टोस्टेरोन चेंजिंग ड्यूरिंग प्यूबर्टी डेवलपमेंट ऑफ मेल सेक्स ऑर्गन बिहेवियर, ठीक है. अब ओवरी ऑस्ट्रन प्रोजेस्टेरोन, ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ फीमेल सेक्स ऑर्गन रेगुलेट मेनिस्ट्रुअल साइकिल, ठीक है. हाइपोथैलेमस रिलीजिंग हार्मोन है, ठीक है, स्टिमुलेट पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन, ठीक है. पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है हाइपोथैलेमस, ठीक है. अब पिट्यूटरी ग्लैंड कौन से, ग्रोथ हार्मोन, प्रमोट नॉर्मल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट इन बॉडी, ठीक है.
थायराइड ग्लैंड कौन सी है? थायरोक्सिन, इसको क्या भी बोलते हैं? T4 कंट्रोल मेटाबॉलिज्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन एंड फैट्स इन अवर बॉडी, ठीक है। पैराथायराइड ग्लैंड, पैराथार्मोन रेगुलेट लेवल ऑफ कैल्शियम एंड फॉस्फोरस इन ब्लड, ठीक है। जो हाइपोथैलेमस है वो किसको स्टिमुलेट करता रहता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को। पिट्यूटरी ग्लैंड कौन सा हार्मोन है? ग्रोथ हार्मोन है, ठीक है। ऑक्सीटोसिन, प्रोलैक्टिन, थायराइड, क्या ये स्टिमुलेटिंग हार्मोन है जो हमारी बॉडी को ग्रोथ करने में हेल्प करते हैं। ये सब क्या है बच्चों? ये सब ग्रोथ हार्मोन है और सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो क्या है, प्ले रोल कर रहा है, क्या क्या फंक्शन है इसके, ठीक है। ये दोनों स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।